2024 के चुनावी महासंग्राम में एकजुट विपक्ष की चुनौती को स्वीकार करते हुए भाजपा ने राजग के बैनर तले 38 दलों के शामिल होने का दावा किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मंगलवार को राजग की बैठक में शामिल होने के लिए 38 दलों ने सहमति दे दी है और इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। नड्डा ने विपक्षी दलों की एकता को भानुमति का कुनबा करार देते हुए राजग को स्वाभाविक गठबंधन बताया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में पिछले 9 सालों की जन कल्याणकारी और विकास की नीतियों को जारी रखने का पक्षधर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ अन्य वरिष्ठ नेता राजग की बैठक में शामिल रहेंगे। वैसे नड्डा ने राजग की बैठक में आने वाली पार्टियों का विवरण नहीं दिया। इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इन पार्टियों के बारे में बैठक के दौरान पता चल जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें बिहार की हम वीआईपी, लोजपा, रालोकपा, शिवसेना, राकांपा, साथ ही सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी जैसे दलों के अलावा पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई छोटे छोटे दल भी शामिल है। विपक्षी दल एकजुट होकर लोकसभा की लगभग 450 सीटों पर साझा प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। जवाब में राजग भी विपक्ष की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उससे बड़ा गठबंधन बनाकर आमने सामने की जंग को पूरे तरह से तैयार है। राजग और विपक्षी गठबंधन के बीच अंतर बताते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी एकजुटता में शामिल होने जा रहे दल असल में संप्रंग सरकार में शामिल रहे भ्रष्टाचारियों का टोला है, जिन्होंने 20 लाख करोड़ से अधिक की लूट की थी। उन्होंने कहा कि इस दलों के पास न नियत है, न नीति है और न ही नेता है। इनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना है ताकि भ्रष्टाचार को जारी रखा जा सके। वही राजग में शामिल दल सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए एकजुट हो रहे हैं, जो भारत को मजबूत करने के लिए और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। बता दें कि बेंगलुरु में हो रही विपक्षी दलों की बैठक को लेकर भाजपा ने तीखा तंज कसा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वहां बैठक में गठबंधन की राजनीति पर बात होगी या फिर घोटालों की ट्रेनिंग दी जाएगी। विपक्षी महागठबंधन को स्वार्थ और अवसरवादिता का गठबंधन बताते हुए उन्होंने दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेंगलुरु जाने पर भी प्रश्न खड़े किए, तो बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा पर चुप्पी को लेकर कांग्रेस और वाम दलों को भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दिल्ली में जनता बाढ़ से परेशान है, सीएम केजरीवाल ने खुद कुछ नहीं किया और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। दिल्ली की बाढ़ पर कांग्रेस भी कुछ नहीं बोलती, बंगाल में शर्मनाक हिंसा हुई, अवसरवादी गठबंधन चुप है। भाजपा ही नहीं, कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ता समर्थक भी मारे गए, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? पीएम से लोकतंत्र का हिसाब मांगने वाले सीताराम येचुरी भी कुछ नहीं बोलते। बंगाल की हिंसा और भ्रष्टाचार पर सब चुप है। तमिलनाडु में एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुआ, लेकिन कोई सवाल नहीं करता। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि फ्लड का मिसमैनेजमेंट कैसे होता है, यह केजरीवाल सरकार से सीखिए। लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है, यह ममता बनर्जी से सुनिए। शिक्षक घोटाला कैसे होता है, ममता से सुनिए। और कोयला घोटाला का नया स्वरूप कैसे आता है, यह ममता बनर्जी के सहयोगियों से सीखिए। चारा घोटाला और अलकतरा घोटाला किस तरह से किया जाता है, यह लालू प्रसाद यादव से सीखिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग देश का विकल्प बनेंगे और भारत का भविष्य बनेगा। 2024 के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने तंज कसा कि 2024 की जो बारात सज रही है उसमें दूल्हा कौन है, बिना दूल्हा के बारात जा रही है, आखिर इसके बारे में कौन सोचेगा।